देखिए, आज के समय में जिस तरह का हमारा रहन सहन है, खाना पीना है, उसकी वजह से जो सबसे बड़ी और कॉमन समस्या है वो है विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन और भी बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी। विटामिन डी और कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी के कारण जो सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं मरीजों की तरफ से, वो होती हैं कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, बदन दर्द, कमजोरी, इस तरह के जो बहुत सारे सवाल मरीजों की तरफ से आते हैं। इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ जिसको आप घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही लाजवाब इसके आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आप इसको लगातार कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपको जोड़ों के दर्द, बदन के दर्द, घुटनों के दर्द और ये थकावट से आसानी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और इसी तरह के टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर लेना। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इसके लिए आपको कुछ लेने पड़ेंगे ड्राई फ्रूट्स। जैसा हम जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं, मेडिसिनल वैल्यूज भी होती हैं, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में या तो ड्राई फ्रूट्स खाते नहीं है या खाते हैं तो उस तरीके से खाते हैं कि उनका बेनिफिट नहीं मिलता है। जो सबसे पहला ड्राई फ्रूट है वो होता है ताल मखाना, जिसको लोटस सीड भी कहते हैं। ताल मखाने का वजन हल्का होता है, तो आप 40 से 50 ग्राम ताल मखाना लेंगे और इनको आपको देखिए थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ेगा। आप हल्के से घी में थोड़ी देर रोस्ट कर लें सो दैट इसकी नमी निकल जाए, क्योंकि उसको हमें बाद में ग्राइंड करना पड़ेगा। ताल मखाने के अंदर बहुत सारी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसके अंदर फाइबर होता है, फाइबर होने के कारण आपकी ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है। इसके अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है और भी इसके अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं। जो दूसरा इंग्रेडिएंट आपको लेना पड़ेगा दोस्तों, वो होगा आलमंड्स यानी कि बादाम। करीब आपको 100 ग्राम बादाम लेने होंगे और इन बादाम को आप अच्छे से रोस्ट करेंगे और तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इनका कलर थोड़ा ब्राउन ना हो जाए, डार्क ब्राउन ना हो जाए और इसके ऊपर क्रैक्स ना आने लगे। अब बादाम के अंदर भी दोस्तों, एक तो ये आपके बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है, मेमोरी के लिए अच्छा होता है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है, कोलेस्ट्रोल अच्छा कोलेस्ट्रोल बनाने में आपकी मदद करता है और जो खराब कोलेस्ट्रोल है एलडीएल उसको कम करता है, लीवर में लीवर के फंक्शंस को ये इम्प्रूव करता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और केमिकल्स और एल्कलॉइड्स होते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो होगा भुने हुए चने। देखिए, चने खाने की हमारी आदत अब छूट गई है, हालांकि अगर आप चने का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप बेसन का इस्तेमाल करें, चाहे आप रोटी बना के खाएं बेसन की, या आप वैसे भी अगर आप भुने हुए चने इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कई सारी चीज़ों में फायदा मिलता है। एक तो ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करता है क्योंकि इसके छिलके के अंदर आयरन पाया जाता है और साथ ही साथ इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टी विटामिन्स और दूसरे केमिकल्स होते हैं जो आपके डाइजेशन को ठीक रखने के साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो करीब आपको 100 ग्राम भुने चने लेने होंगे और इनको भी आप हल्के से थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा घी डालने की जरूरत नहीं है और उनको भी आप एक साइड पर रख देंगे। जो चौथा इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो लेना पड़ेगा आपको छुहारा। करीब 15 से 16 छुहारे ले लीजिए, खजूर यहाँ पे मत लीजिएगा क्योंकि छुहारे हमें लेने हैं, ये ड्राई छुहारे होंगे और इनको आप बीज निकाल दीजिए और इनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लीजिए। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको लेना पड़ेगा एक मिक्सर और ग्राइंडर। आप इसको एक मिक्सी में या ग्राइंडर में सबसे पहले आप जो ताल मखाने हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा लगेगी, उसका आप पाउडर बना लीजिए। जब ये अच्छे से पाउडर इसका बन जाए तो इसके अंदर अब मैं बताने वाला हूँ ऐसी 2-3 चीज़ें जो इस प्रिपरेशन के लिए, इस रेमेडी के लिए एक तरीके से अमृत का काम था। तो इसमें आपको डालना पड़ेगा करीब 100 ग्राम आप मिश्री ले लीजिए। मिश्री आसानी से बाजार में मिल जाती है, छोटे छोटे चीनी के रंग के से दाने होते हैं, लेकिन आपको मिश्री लेना पड़ेगा। अगर आप डायबिटिक है तो मिश्री का इस्तेमाल ना करें, आप बिना मिश्री को भी इसको यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट फिर भी अच्छा रहेगा। लेकिन एक तो मिश्री इसके टेस्ट को बढ़ा देगी, दूसरा ये डाइजेशन में आपकी मदद करेगी, आपको एनर्जी देगी, एनर्जी बूस्टर का काम करेगी और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करेगी। अब आपको इसके अंदर डालना है 1 चम्मच सौंठ। सौंठ होता है सूखा अदरक। सौंठ के लिए माना जाता है कि एक बेस्ट रेमेडी या बूटी माना जाता है आयुर्वेदा और यूनानी थेरेपी में। बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल होता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सौंठ का बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। तो करीब आप 1 चम्मच सौंठ का पाउडर ले लीजिएगा या आप साबुत सौंठ भी ले सकते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके ग्राइंडर में डाल दीजिएगा। और आपको लेना पड़ेगा 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन भी जो है वो डाइजेस्टिव के तौर पे काम करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, ये स्वेलिंग को, इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करने में मदद करता है। अब जब ये पाउडर रेडी हो जाए तो आप इसके अंदर डाल देंगे जो आपके बाकी ड्राई फ्रूट्स बचे थे, जो आपका आलमंड है या आपके जो भुने हुए चने हैं, आप इनको भी डाल के अच्छे से इसको ग्राइंड कर लीजिए। तो अब आपका पाउडर रेडी है, वो पाउडर जिसके अंदर कैल्शियम भी है, आयरन भी है, विटामिन्स भी हैं, विटामिन डी भी आपको मिलेगा
और जो आपकी जोड़ों की, बदन दर्द की, तकलीफ की दिक्कत थी, या स्वेलिंग की दिक्कत थी, थकावट की दिक्कत थी, वो जाती रहेगी। अब बात करते हैं कि भाई इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। इस्तेमाल करने के लिए आपको इसका करीब 1 से 2 चम्मच, 2 चम्मच लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर आप बड़े हैं तो आप 2 चम्मच लें, और अगर आपकी उम्र 12 साल से कम है, 5 से 6 साल तक की उम्र के और 12 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए आप 1 चम्मच दें, और उससे छोटे बच्चे हैं तो आधा चम्मच दें, और उसी हिसाब से आप दूध की क्वांटिटी ले लें। तो गर्म दूध में करीब 1 कप गर्म दूध में आप इसका 2 चम्मच आप मिला देंगे, अच्छे से घोल लेंगे, और सुबह आप नाश्ते के साथ या उससे पहले इस्तेमाल कर लें, और रात को आप बेड पे जाते समय या उससे थोड़ी देर पहले आप इसको इस्तेमाल कर लें। आप देखेंगे लगातार 30 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो सारी दिक्कतें जो हमने ऊपर बात की थी वो जाती रहेंगी, और इसको आप बड़ी आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेमेडी या नुस्खा पसंद आया होगा, और अगर वाकई आपको ये रेमेडी या नुस्खा पसंद आया तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें सो दैट इसका फ़ायदा मिले, और अगर आप मुझे पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।